नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हूँ चिराग जीवाणी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप धोरण दस की अंदर गणित विषय में तीजा चैप्टर अभ्यास करवाना छे, जेनु नाम छे द्विचल सुरेख समीकरण। जे तमारे परीक्षा की अंदर एनो गुणभार आपेलो छे, तो कि परीक्षा की अंदर तमने 8 मार्क में एना प्रश्न पूछाय छे, दाखला पूछाय छे, जेमा एक गुण की अंदर एक त्रण गुण की अंदर अने एक चार गुण की अंदर। आम कुल आ चेप्टर माथी तमारे त्रण प्रश्न पूछाता होय छे। तो हवे आपणे शुरुआत करिए। आपणे अगाउना धोरणनी अंदर बधाय एक चल सुरेख समीकरण, धोरण 9 अंदर द्विचल सुरेख समीकरणनो अभ्यास करी चूक्या छीए, तेम छता आपणे द्विचल सुरेख समीकरण, तो पहेला तो आपणे चर्चा करिए सुरेख समीकरण केने कहेवाय। तो कि जे समीकरणनी अंदर चलनी महत्तम घात केटली होय, एक होय, चलनी महत्तम घात केटली होय। दाखला तरीके सुरेख समीकरण व्यापक स्वरूप तमारी पासे आप्युं छे, ए एक्स प्लस बी, ज्यां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अने ए अने बी नी किंमत बिलोंग्स टू आर माथी लेवानी। आनो आपणे अभ्यास चेप्टर नंबर 2 बहुपदीमां करी चूक्या छीए। तो आ वात करी सुरेख समीकरणनी, परंतु आपणी पासे आप्युं छे द्विचल सुरेख समीकरण। तो आ द्विचल सुरेख समीकरणनुं व्यापक स्वरूप के सुरेख समीकरण तो छे, परंतु केटला चल छे, द्विचल, एटले के तमारी पासे अहींया बे चल आपेला छे। तो मानी लियो तमारी पासे चल एक्स अने वाई छे, अने केवू समीकरण छे, सुरेख समीकरण। तो आ बे चल आपी छे, ई बे चलनी घात सुरेख होय एटले केटली हशे, तो एक। तो जोई आपणी पासे एक समीकरण छे, तो कि द्विचल सुरेख समीकरण एटले के ए एक्स प्लस बी वाय वत्ता सी बराबर जीरो, ए एक्स वत्ता बी वाय प्लस सी बराबर जीरो। तो अहीं तमारी पासे आ द्विचल सुरेख समीकरणनुं व्यापक स्वरूप आपेलू छे, जेमा ए अने बी नी एकी साथे किंमत, ए अने बी नी एकी साथे किंमत क्यारे जीरो होती नथी। का तो एक जीरो होय तो चाले, आ एक्स वाळुं पद न होय, खाली वाय होय तो एने द्विचल सुरेख समीकरण कहेवाय, अथवा तो तमारी पासे वाय वाळुं पद न होय, एक्स वाळुं पद होय तो ए द्विचल सुरेख समीकरण कहेवाय। परंतु एक्स अने वाय एकेय पद न आप्या होय तो एने द्विचल सुरेख समीकरण कहेवाय नहीं, कारण के एक्स अने वाय न होय तो तमारी पासे खाली केवू पद वधे, अचळ पद वधे, एटले ए द्विचल सुरेख समीकरण में आवता नथी। अने अहींया ए बी सी नी किंमत बिलोंग्स टू सेमाथी लेवामां आवे छे, आर माथी, एटले के वास्तविक संख्यामांथी एनी किंमत लेवामां आवे छे। तो तमे व्यवहारिक जीवन में पण द्विचल सुरेख समीकरण की मदद थी तमे कोईपण वस्तु की किंमत मेळवी शको छो। दाखला तरीके तमारी पासे पेन अने बुक छे, पेन अने बुक, एनी मदद थी तमारी पासे संयुक्त जो तमारी पासे किंमत होय तो तमे एना उपरथी पेन ने तमे एक चल कियो, बुक ने तमे बीजो चल कियो, एक्स अने वाय उपरथी तमे एना समीकरणनो उपयोग करी शको छो। तो जोईए दाखला तरीके आपणी पासे एक कूट प्रश्न आपी दीधो छे के एक पेन अने पांच बुकनी किंमत संयुक्त रीते ₹50 छे। तो आने तमारे द्विचल समीकरण स्वरूपे दर्शावू होय तो केवी रीते दर्शावी शकाय, तो तमारी पासे बे वस्तु आपी छे,
एक तमारी पासे पेन छे, बीजू कोण छे बुक, तो तमारी पासे पेन नी किंमत धारी लेवाय, पेन बराबर एक्स ले लियो, बुक बराबर तमे ले लियो वाय, शू ले लियो वाय। तो एक पेन अने पांच बुक, तो एक पेन अटले एक्स अने पांच बुक अटले एनी किंमत केटली थई जाय, पांच वाय, कारण के एक बुक नी वाय किंमत छे, तो पांच बुक नी केटली थई जाय, पांच वाय, खाली तमारे एनी साथे शू थशे गुणाकार थाय, तो एक्स वत्ता पांच वाय, अने बे थईने किंमत केटली छे, तो के 50 रुपया। तो आ तमारी पासे जे मळ्युं ई तमारी पासे द्विचल सुरेख समीकरण मळ्युं, कूट प्रश्न उपरथी तमे एनुं समीकरण बनाव्युं। तो हवे तमारी पासे द्विचल सुरेख समीकरण छे, एनी तमारी पासे बे जोड आवशे, केटली आवशे बे, तो के द्विचल सुरेख समीकरण युग्म, द्विचल सुरेख समीकरण युग्म, युग्म एटले बे, अहीं युग्मनो मतलब केटलो थाय छे बे, तो तमारी पासे कोई रकम हशे एमां तमारी पासे बे समीकरण बनता हशे, एक समीकरण हशे ए वन एक्स वत्ता बी वन वाय प्लस सी वन एना बराबर जीरो, आ तमारा माटे पेलू समीकरण थई गयुं। आवी ज रीते खाली तमारे अहीं सहगुणक बदलाय, एटले सहगुणक अहीं हूँ लई लउं छुं ए टू एक्स वत्ता बी टू वाय प्लस सी टू बराबर जीरो, आने नाम आपी दियो समीकरण नंबर बे, केटला नाम आपी दियो समीकरण नंबर बे, ज्यां ए अने बी नी किंमत एकी साथे क्यारे जीरो होय नहीं, एवी ज रीते अहींया एक्स ना सहगुणक अने વાયનો સહગુણક ક્યારે એકી સાથે જીરો હોય નહીં, અને બધાની કિંમત બિલોંગ્સ ટુ સેમાંથી લેવામાં આવે છે, તો કે આર માંથી, એવી જ રીતે અહીંયા પણ કિંમત તમારે છે એ સેમાંથી લેવામાં આવે છે, તો કે આર માંથી। તો રકમની મદદથી તમારે રકમ ઉપરથી જો બે સમીકરણ બનતા હોય તો એ સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ કહેવાય। આવી જ રીતે તમારી પાસે અહીંયા શરત આપી છે પેલી, તો આ તમારી પાસે સમીકરણ બેનું પેલું, આમાંનામાં હજી બીજી રકમ આપી હોય, બીજી રકમ અડધી છે, અહીંયા લખું છું કે એક પેનની એક બુકની કિંમત પેન કરતા પાંચ ગણી છે, તો તમારી પાસે પહેલી શરત તો મળી ગઈ કે એક પેન અને પાંચ બુકની કિંમત સંયુક્ત રીતે 50 રૂપિયા, તથા એક બુકની કિંમત પેન કરતા પાંચ ગણી છે, એટલે પહેલી શરત અહીંયા મળી, એના ઉપરથી રકમમાં બીજી શરત અહીંયા છે, તો આપણને ખબર છે કે બુક, બુક એટલે આપણે એને કેના કિંમત કીધી, બુક એટલે કોણ છે વાય, તો આ વાય રિયા એ એક્સ કરતા, એક્સ કરતા કેટલા ગણા છે, પાંચ ગણા, તો પાંચ ગણા ક્યારે હોય, તો પેનની કિંમતને હું પાંચ વડે ગુણું ત્યારે, હવે આ વાય રિયા બરાબરની ઓ બાજુ જશે તો કેવા થશે માઇનસ, તો પાંચ એક્સ માઇનસ વાય બરાબર જીરો, આ જે સમીકરણ બેનું એ તમારું સમીકરણ નંબર થઈ ગયું બે, તો તમારા સમીકરણ યુગ્મ મળ્યા આ પેલું સમીકરણ, આ બીજું સમીકરણ, તો આ બે સમીકરણ નીચે લખીને લખી નાખવાનું કે સમીકરણ યુગ્મ થાય। તો આ આપણી દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની માહિતી હતી, વ્યાપક સ્વરૂપની ચર્ચા કરી, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની ચર્ચા કરી, હવે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર કઈ રીતનો અભ્યાસ કરવાના છીએ, એટલે કે બીજી વસ્તુ તમને આપી છે કે ઉકેલ મેળવવાની રીત, તો આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ઉકેલ મેળવવાની કુલ ત્રણ રીતનો અભ્યાસ કરવાનો છે, કેટલી રીતનો, ત્રણ રીતનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે, પેલા બધી રીતના નામ લખી નાખીશ, તો કે ઉકેલ મેળવવાની રીત,
तो तमारी पासे आ चेप्टर नी अंदर बे समीकरण आपेला ज हशे। केटला बे समीकरण तमने आपेला ज हशे। तो हवे तमारी पासे उकेल मेळवानी पेली रीत तमारी पासे आपी छे आलेखनी रीत। पेली रीत कई छे? आलेखनी रीत। बीजी रीत कई आपी छे? तो के आदेश नी रीत। त्रीजी रीत कई आपी छे? तो के लोप नी रीत। ने चौथी एपी छे तमारी पासे चोकड़ी गुणाकार नी रीत। धोरण 11-12 साइंस में जशो एटले बीजी अने सॉरी त्रीजी अने चौथी रीतनो उपयोग तमारे वारंवार आवशे। तो खास करीने तमारे अत्यारे ध्यान राखवानी रीत छे लोपनी रीत। गमे आ जशो आ रीत अने 11-12 साइंसनी अंदर आ रीतनो उपयोग थाय छे। तो कुल चार प्रकारनी रीत छे। आपणे आ चारे चार रीतनो विस्तृतमां आपणे माहिती मेळवशो। तो टूंकमां माहिती कही दो के तमारी पासे जो आलेख होय तो आलेखमां तमारी पासे बे रेखा दोरवी पड़े। कारण के आपणने खबर छे के सुरेख समीकरण होय तो एनो आलेख केवो मळे छे? तो के रेखा मळे। तो अहीं तमारी पासे बे समीकरण छे एटले तमारी पासे बे रेखा मळे। तो आ बे रेखा वच्चेनो संबंध आ बे रेखा वच्चेनो संबंध तो ई बे रेखा वच्चेनो संबंध का तो आ बे रेखा भिन्न होय। केवी होय? भिन्न। रेखा एक अने रेखा बे कोई एक ज बिंदुमां छेदती होय। मानी लियो आ रेखा एल छे आ रेखा एम छे कोई एक ज बिंदुमां छेदती होय तो आ बने रेखा भिन्न अने छेदती रेखा कहेवाय। रेखा एल अने एम ए पी बिंदुमां छेदे छे। क्या छेदे छे? पी बिंदुमां छेदे छे। माटे आ बे रेखाने छेदती रेखा कहेवाय। અને જ્યારે બે છેદતી હોય ત્યારે એના ઉકેલ એ એનું છેદ બિંદુ થાય। જ્યાં આ લખમાં આવ્યું હોય એનું છેદ બિંદુ થાય ત્યારે ઉકેલની સંખ્યા કેટલી મળે? એક। કેટલી મળે? એક। બીજી રીત આવે કાં તો એ બે રેખા રહી એ આમ સીધે સીધી હોય। લા સીધે સીધી હોય એને કેવી રેખા કહેવાય? સમાંતર। કેવી કહેવાય? સમાંતર એટલે કે કોઈ બિંદુમાં છેદતી હોય નહીં। તો કે રેખા એલ અને એમ એ સમાંતર રેખા છે માટે ઉકેલ ન મળે। ઉકેલ ન મળે કારણ કે સમાંતર હોય એટલે કોઈ જગ્યાએ ભેગી થાય નહીં। ભેગી ન થાય એટલે ઉકેલ મળે નહીં। તો ઉકેલની સંખ્યા કેટલી મળે? અહીંયા ઝીરો એટલે કે શૂન્ય। સંખ્યા માંગી હોય તો ઝીરો। અને ત્રીજી રીત એટલે કે ત્રીજો પ્રકાર તમારી પાસે આપી છે સંપાતિ। કેવી આપી છે? સંપાતિ। તો સંપાતિ એટલે શું કે આ એક રેખા એલ છે એના ઉપર ને ઉપર બીજી રેખા આપી હોય તમને એમ। રેખા એલની ઉપર બીજી ને બીજી રેખા આપી હોય એમ। તો આ બે રેખાને કેવી રેખા કહેવાય? સંપાતિ રેખા કહેવાય। કેવી? સંપાતિ। તો ટૂંકમાં એ પેલી રેખા જ્યાં સુધી જાય ત્યાં સુધી જ બીજી રેખા એટલે બે એકબીજા સાથે જ હોય બધી જગ્યાએ સ્પર્શતી હોય એટલે બધાય બિંદુમાં છેદતી કહેવાય। તો આ પેલી બે રેખા છે એલ અને એમ ને કેવી રેખા કહેવાય? સંપાતિ। અને એના ઉકેલ અસંખ્ય મળે। કેટલા મળે? અસંખ્ય એટલે કેટલા મળશે તમને? અનંત। તો કે જો સંપાતિ રેખા હોય તો એના ઉકેલ કેટલા મળે? અનંત મળે।
जो बे एक बीजाने एक बिंदु में छेदे तो छेदती रेखा कहवाय, बे समांतर हो सीधे सीधी क्या छेदती न हो तो समांतर कहवाय, एक बीजा ऊपर हो तो एने केवी कहवाय, संपाती रेखा कहवाय। विस्तृत में माहिती आपणे एना दाखला जोशू त्यारे नेक्स्ट विडियो अंदर आपणे एनु माहिती वधारानी आपीशुं। तो आपणे आ चेप्टर नी अंदर आटला प्रकारनो अभ्यास करवानो छे, एना सूत्र केवी रीते आवशे ई आपणे नेक्स्ट विडियो लेक्चर नी अंदर अभ्यास करीशुं। थैंक यू।